ठीक है पंचुएशन का साइन किस लिए हैं ये पंचुएशन मार्क्स किसको बोलते हैं पंचुएशन मार्क्स में तरह तरह के पंचुएशन मार्क्स आते हैं एक तो पंचुएशन मार्क्स में आपका फुल स्टॉप होता है पंचुएशन में कॉमा भी होता है पंचुएशन में इन्वर्टेड कॉमास भी होता है पंचुएशन में क्वेश्चन मार्क भी होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है बहुत सारा सेंटेंसेज है कॉलोन भी होता है कॉलोन इसको बोलते हैं सेमी कॉलन इसको बोलते हैं बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है मैम पता ही नहीं चलता है कि कहा कॉमा लगाया जाए और कहा सेमी कॉलन लगाया जाए क्योंकि पढ़ते हैं तो लगता है ना कि दोनों का मतलब तो सेम ही है आज हम डिटेल में उसको करने वाले हैं तो कोई पूछे आपसे कि पंचुएशन मार्क्स हम किस लिए यूज करते हैं हम पंचुएशन मार्क्स को यूज करते हैं अपने सेंटेंस का मीनिंग कन्वे करने के लिए ठीक है अगर अगर आपको किसी सेंटेंस में आपको बताना है ना कुछ सरप्राइज दिखाना है अ ब्यूटिफुल सीन सरप्राइज दिखाना है तो हम ये वाला पंक्चुएशन यूज कर देते हैं अगर हमें सेंटेंस में किसी से क्वेश्चन पूछना है तो हम ये वाला कर देते हैं तो तरह तरह का यूज हम पंचुएशन मार्क्स में करते हैं ताकि हम वाक्य में अपने मीनिंग को एक्सप्रेस कर पाएं तो पंचुएशन मार्क्स आर यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग और द आइडिया जो आप वाक्य में बताना चाहते हो और एक पंचुएशन मार्क पंचुएशन मार्क का अलग अलग जगह पे रहने से उस सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है आप थोड़ा सेंटेंस देखना पहला वाला सेंटेंस में ना एक मैंने यहाँ पे कॉमा डाला है ठीक है और ऊपर वाले में कॉमा नहीं डाला है

तो ये तो सही होता ओके लेट्स ईट एप्पल्स चलो हम एप्पल्स को खाते हैं लेकिन ग्रैंड मदर को थोड़ी खाओगे तो ये गलत था यहाँ पे एक पंचुएशन की जरूरत है आप ग्रैंड मदर को बोल रहे हो ना लेट्स ईट ग्रैंड मदर को संबोधित करते हुए बोल रहे हो कि लेट्स ईट चलो खाना खाते हैं ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर को संबोधित करते हुए बोल रहे हो तो पंचुएशन को सही जगह पे लगाना है नहीं सो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा ओके ऊपर वाला में ना बिना कॉमा का गलत था बिना कॉमा का वो गलत था कॉमा की जरूरत थी यहां पंचुएशन की जरूरत थी क्योंकि आप बोलना क्या चाह रहे हो सेंटेंस में बोलना चाह रहे हो ना कि ग्रैंड मदर चलो हम मिलके खाना खाते हैं ऐसा थोड़ी है कि जाके ग्रैंड मदर को ही खा लोगे ओके okay? hmm. अब आ जाओ अब देखो सेंटेंस अब दोनों सेंटेंस में मेरे को बताओ कि टू का ए और बी में कौन सा करेक्ट है यहाँ पे दोनों में से एक ही करेक्ट था आप ग्रैंड मदर को जाके नहीं खा सकते हो आप ग्रैंड मदर को बोलते हुए बोल रहे हो ना ग्रैंड मदर दादी चलो खाना खाने चलते हैं लेट्स ईट ठीक है कॉपा डालने की जरूरत थी ऊपर वाला गलत था अब मेरे को बताओ कि टू और टू में ए और बी में कौन सा करेक्ट है टू और टू ए बी में कौन सा करेक्ट है नहीं नहीं दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है यहाँ पे तो ये रॉन्ग था ये करेक्ट था बट यहाँ पे दोनों करेक्ट है तो वही मैं बोल रही थी ना कि पंचुएशन मार्क्स का जगह बदलता है तो उसका मतलब चेंज हो जाता है देखो यहाँ पे कॉमा यहाँ पे लगा है और यहाँ पे नॉट के, के बाद लगा है नॉट के बाद कॉमा लगा है तो इस सेंटेंस का मतलब अलग है और नॉट के पहले लगा है तो इस सेंटेंस का मतलब अलग है हैंग हिम उसको हैंग कर दो और कॉमा हम किस लिए लगाते हैं थोड़े से अभी मैं अलग अलग सबको डिटेल में पढ़ाऊंगी बस मैं अभी आपको बता रही हूं ना कि पंचुएशन मार्क्स का इंपॉर्टेंस कितना होता है ओके okay? पंचुएशन मार्क्स अलग अलग जगह पे लगता है ना तो उसका मीनिंग अलग ही निकल जाता है हैंग हिम उसको फांसी दो नॉट लेट हिम फ्री उसको छोड़ो मत उसको फ्री मत जाने दो हैंग हिम हैंग हिम मतलब उसको फांसी पे लटका दो नॉट लेट हिम फ्री उसको छोड़ो मत फांसी पे लटका दो बट यहां पे देखो यहाँ पे कॉमा यहां पे आया हैंग हिम नॉट आप नॉट के बाद रुक रहे हो हैंग हिम नॉट का मतलब उसको फांसी मत दो उसको छोड़ दो उसको छोड़ दो उसको छोड़ दो ओके तो दोनों का मतलब अलग है हैंग हिम उसको फांसी दो बच के ना जाना पाए ओके और हैंग हिम नॉट फांसी मत दो उसको छोड़ दो तो देखो पंचुएशन का अलग जगह पे यूज करने से सेंटेंस का मतलब ही बदल गया है मतलब ही बदल गया अब अब थर्ड वाला बताओ यहाँ पे तो दोनों सही है दोनों का मीनिंग अलग है ठीक है दोनों का मीनिंग अलग है डिफरेंट मीनिंग वाक्य का ऊपर वाला में फांसी दे दो छोड़ो मत और यहाँ पे उसको फांसी मत दो छोड़ दो मीनिंग्स अलग है नीचे वाले सेंटेंस में ना दोनों करेक्ट नहीं है दोनों करेक्ट नहीं है दोनों में से कोई एक ही करेक्ट बताना जरा आई लव बेकिंग मेरे मेरे को को बेकिंग करना पसंद है, मेरे को अपने दोस्त पसंद है और मेरे को फैमिली पसंद है यहाँ पे ना कॉमा अगर हम यहाँ पे कॉमा नहीं लगाते हैं ना तो इस सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जा रहा है मेरे को अपने दोस्तों को बेक करना और अपनी फैमिली को बेक करना पसंद है ये गलत है ना ओके okay, अब आप, आप अपने फ्रेंड और फैमिली को बेक थोड़ी करोगे हम बेक करते हैं बिस्किट को केक को फैमिली को थोड़ी जाके ओवन में डाल के बेक कर दोगे ये बोल रहे हैं मेरे को बेक करना पसंद है फिर रुक रहे हैं मेरे को अपने फैमिली भी पसंद है और मेरे को अपना फ्रेंड्स भी पसंद है तो ये करेक्ट ये रॉन्ग है यहाँ पे बस हम सीख रहे हैं ना द इम्पोर्टेंस ऑफ तो पंचुएशन मार्क्स और पंचुएशन के अलग अलग, अलग जगह रहने से मीनिंग चेंज हो जाता है अब मुझे बताओ कि कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट है बताना कुछ जगह पे दोनों करेक्ट है लेकिन कुछ जगह पे कोई एक ही करेक्ट हो सकता है अरे इधर उधर की बातें मत करिए ना चुपचाप ध्यान दीजिए दोनों करेक्ट <laughs> दोनों करेक्ट है दोनों करेक्ट है बट दोनों का मतलब अलग है ठीक है दोनों का मतलब अलग है देखो यहां पे है वुमेन विदाउट हर मैन इज नथिंग एक ये देखो ये वुमेन के बारे में एक्स्ट्रा बात बताया जा रहा है एक वुमेन अपने मैन के बिना अधूरी है ठीक है एक मैन के बिना अधूरी है तो यहाँ पे ना उनके मैन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया एक औरत ओके किसी आदमी के बिना अधूरी है इसका मतलब अलग जा रहा है ठीक है यहाँ पे इंपॉर्टेंस मैन को दे दिया है लेकिन यहाँ पे दिया है यहाँ पे सेमी कॉलन डाला अ वुमेन अ वुमेन ठीक है विदाउट हर अब देखो हर के बाद डाला विदाउट हर मैन इज नथिंग यहाँ पे ये यह क्या बोल रहे हैं वुमेन जिसके बिना मैन नथिंग है यहाँ पे यहां पे क्या था वुमेन मैन के बगैर नथिंग है बट यहां मैन वुमेन के बगैर नथिंग है तो बोथ ऑफ आर करेक्ट आप देख रहे हो एक पंक्चुएशन एक पंक्चुएशन के इधर उधर होने से यहां विदाउट हर के बाद कॉमा था यहां हर के बाद कॉमा है और यहां मैन के बाद था तो यहां मीनिंग अलग जा रहा वुमेन मैन के बिना अधूरी है बट यहां विमेन जिसके बिना मैन अधूरे हैं तो सी सीधा इंपॉर्टेंस